एक मेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। अभी मुझे लास्ट वीडियो में कई लोगों ने कहा इम्पोर्टेड पे साड़ी दिखाओ, इम्पोर्टेड फैब्रिक से जो साड़ी बना रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखाइए, ये देखिए, ये इम्पोर्टेड लकड़ा पे इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस इस्तेमाल किया हुआ है। और ये चेन दोनों साइड जर्कन की चेन और बीच में मटेरियल वेलवेट बॉर्डर पे इस 1345 रूपए मार्क 1345। थोड़ी ये देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारे कस्टमर ये पूछते हैं, ये देखिए इसका वेलवेट का ब्लाउज है, ब्लाउज भी बढ़िया वेलवेट का, कि हम कैसे लेंगे। सर सिंपल तरीका है, स्क्रीनशॉट लेके मेरे दो नंबर वहां पे और लिखे हुए हैं व्हाट्सएप से, मेरे अलावा दो नंबर और जो मेरा स्टाफ है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप क्यों नहीं रिप्लाई करते। सर मैं यदि माल बनाने में दिमाग लगाऊंगा तो सही है। ये देखिए इम्पोर्टेड फैब्रिक, यहाँ पे भी ये भी, और इस तरीके से पैनल लगा के ये चेन लगा दी। तेरह सौ पैंतीस रूपए और पीछे इस तरीके से ऑल ओवर में। तो मेन बात मैं ये कह रहा था माल बनाने में ज्यादा दिमाग चलाते हैं, रिप्लाई करने में मेरा स्टाफ रिप्लाई करता है। ये इसका ब्रोकेट का ब्लाउज हो गया, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेड फैब्रिक, ये इस तरीके से काफी सॉफ्ट, वो भी नीचे इम्पोर्टेड है, दोनों तीनों चीजें। बाईस सौ पैंतालीस रूपए 2245 रूपीज। क्योंकि सारे फैब्रिक महंगे हैं इस तरीके से, उसमें ब्लाउज भी हमने ये इस तरीके से ये दिया हुआ है, बनारसी फैब्रिक का ब्लाउज है। ये देखिए 935, ये 935 रुपए की, केवल मात्र 935 रुपए 935। पीछे से इस तरीके से ये इसका ब्लाउज हो गया। ये देखिए बारह सौ पिचासी रूपए ये वेलवेट का ब्लाउज है, 1285 1245। इसमें चार रंग है, ऐसे ही रख दो, कलर की खोल, कलर खोलने की होती है, एक पिंक हो गया, सेम ही तो पहन कोई बात नहीं, ये खोल दिया। दूसरा रंग ये फिरोजी सी ग्रीन टाइप, तीसरा पीच पिंक, पीच फिरोजी, तीन रंग है, चौथा तो रिपीट है। इस तरीके से तीन रंग मिलते हैं 1285 रूपए 1285 रूपीज। बारह सौ पैंतालीस रूपए 1245। दो कलर है, एक ये गोल्डन हो गया रेडिश कलर में, दूसरा गोल्डन ये हो गया। दूसरा गोल्डन ये हो गया,
1245 रुपए 1245 में आप कोई सा भी पीस ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेके आपको यही करना है, बस मेरे स्टाफ के नंबर पे व्हाट्सएप करना, क्योंकि ये पीस ऐप पे अपलोड नहीं हो पाए अभी। आप मेरे स्टाफ के नंबर पे कर दीजिए 7241781848481, नीचे लिखा हुआ नंबर। ₹1425 रुपए केवल 1425। ₹835 नेट है, पैनल भी नेट कर दिया हुआ। ये वेलवेट कब दोगे? इसमें दो रंग है, ऐसी रख दो, ऐसी रख दो, दो रंग है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। ₹1435 रुपए और इसके से बनारसी फैब्रिक का ब्लाउज का फैब्रिक मिलता है। कितनी देर होगी? 7। ₹1595 रुपए 1595। चल में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है, एक दिन में 500 से 1000 व्हाट्सएप आते हैं, तो सब लोगों को रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस बीच में फोन भी आते रहते हैं, तो सबको एक संग कैसे रिप्लाई हो जाए, और किसी को मान लो किया इस बीच में वो नीचे दब गया, दूसरे लोगों का व्हाट्सएप आ गया, तो वो काफी नीचे चला जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इट विल टेक सम टाइम। ये बीच में वैसे आइटम दिखा रहा हूँ, सिल्क पे बनाई हुई है, सिंपल प्लेन बॉर्डर इस तरह से साड़ी बनाई हुई है, 1050 रुपए में। ये देखिए प्लेन साड़ी काफी खूबसूरत लगती है, जिनको प्लेन सिल्क की साड़ी है तो आर्ट सिल्क, लेकिन इस टाइप की साड़ी पहनने का शौक है उनके लिए काफी ठीक, 1050 रुपए में। और ये इसका ब्लाउज है, हाजी बाजू होती है, दो रंग है बस, 80 रुपए डिजाइन भी दो हो गए, प्राइस दोनों के सेम है, 1050 रुपए 1050। ₹985 रुपए केवल 985 रुपीस प्लेन साड़ी। बस उसके बाद ले लो, एक ये डिजाइन, इसमें हमने जॉर्जेट पे ये इम्पोर्टेड का पैनल दे दिया और उसी का हमने बॉर्डर दे दिया। ₹1395 रुपए 1395। इसमें दो रंग है, एक ये हो गया रानी, एक ये ऑरेंज, ऑरेंज रंग ये भी ले लो। ₹1335 रुपए केवल
बस दो रंग है सर। सुधीर भाई, सुधीर भाई, एक और डिजाइन, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक के साथ ये नए तरीके चल रहे हैं। इसमें पैनल ऐसा दिया है, ये पीछे भी स्कर्ट में अलग इम्पोर्टेड फैब्रिक दिया है। मैंने तुम्हारे चक्कर में अच्छा इम्पोर्टेड फैब्रिक पे खास बात ये होती है कि आपको बहुत सारे पीस ने नहीं मिलते, इसके 200-400 पीस जो बनते हैं वही बनते हैं, इसके अलावा चीज नहीं होती। अब ये देखिए नेट, इसका नेट का गेटअप पीछे आ रही है, चलो इधर से देखिए ऐसे। अभी पीछे भी दोनों इम्पोर्टेड फैब्रिक, नीचे पूरे पैनल में नेट चल रही है और नीचे कटवर्क हो गया नेट है, तो इसमें आपको फॉल लगाने की जरूरत नहीं है। हाथ में ले लो ऐसे, ताकि ऐसे दिखाइए, इसमें फॉल लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे पूरे पैनल में नेट का वर्क चल रहा है, बॉर्डर ही नेट का बनाया हुआ है। वैसे भी वेडिंग वियर है, वेडिंग वियर में नीचे फॉल वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती ऐसी के पास। इम्पोर्टेड नेट पे डिजिटल प्रिंट, सब कुछ इम्पोर्टेड है, इस तरीके से बनाया ऑल ओवर। नीचे पीछे ये फैब्रिक भी इम्पोर्टेड है, अलग हटके फैब्रिक है, और नीचे पैनल से दिखाइए वो नेट, नेट का आखिरी मत पकड़ो ऐसे, ये देखिए डिफरेंट चीज, इसमें नीचे फॉल की जरूरत नहीं है। ये इसके ब्लाउज, इस तरह की काफी चीजें मैंने वो दिखाई हुई है, जो टाइम टू टाइम मेरे पास आती रहती है और मैं दिखाता रहता हूँ, जैसी भी चीजें आती हैं मैं आपको दिखाता रहता हूँ। हाँ, रिप्लाई मैं नहीं दे पा रहा क्योंकि मेरा स्टाफ रिप्लाई देता है, उस चीज के लिए मैंने दो आदमी रखे हुए हैं जो खाली रिप्लाई देते रहते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप बहुत ज्यादा आते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हाँ हम दे रहे हैं फिर भी रिप्लाई। टॉपिक ऑफ द डे, आज मेरा मन है टीचर्स पे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक अपने ही जानकारी में एक टीचर मिले, मैंने उनसे वैसे पूछा, इधर उधर की बात चली थी, मैंने वो क्या ध्यान दे रहे हो, क्या आप बच्चों को पढ़ाते हो, क्या चीज, मैंने वैसे पूछ लिया, नेपाल की कैपिटल ऑफ नेपाल नहीं पता, यार नेपाल की कैपिटल नहीं पता, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
हम ही नहीं जानते कैसे आप टीचर हो, कैसे बच्चों को पढ़ाते हो, क्या कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा आपको। ये तो अभी यहीं की पूछी, अड़ोस पड़ोस की और इधर उधर की पूछ ली तो बिल्कुल नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन इधर उधर थोड़ी बहुत दो चार तो पता होनी चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा था, अपने बच्चों से भी आप पूछते रहे कैपिटल्स और टीचर्स का। टीचर्स ने तो जो अति उठाई हुई है वो भी कम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे टीचर होते हैं, पूछो नहीं। बहुत बढ़िया, मुझे आज भी जिन टीचर्स ने पढ़ाया आई एम रियली, मैं उनका इतना आभारी हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया पढ़ाया। मुझे वास्तव में बहुत बढ़िया टीचर्स मिले और आज की डेट में भी एक से एक बढ़िया, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया टीचर्स हैं। लेकिन ऐसे भी टीचर्स हैं जिनको ये नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है, फिर आप खाली सर्विस करने के लिए या भाई पैसे चाहिए तो इस चीज के लिए टीचिंग जॉब करिए क्या। बच्चे भी ऐसा नहीं है कि बच्चे भी उनका कम मजाक बनाते हैं, कम नाम रखते हैं, उनके नाम रखे हुए हैं, उनका मजाक बनाते हैं, इस तरीके से सब काम चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बच्चों को भी, टीचर्स को भी, अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स का, बच्चों का मतलब स्टूडेंट्स को बच्चों की तरह मानना चाहिए, गलत बोल गया, स्टूडेंट्स को बच्चों की तरह मानना चाहिए, उनका ध्यान रखें, उन्हें पढ़ाएं, उनके लिए खुद भी तो प्रिपरेशन करोगे, आपको खुद को भी तो नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको खुद को नॉलेज नहीं है आप क्या बच्चों को पढ़ाओगे। और हम लोगों को भी है, लेकिन क्या होता है कि माता पिता सबसे पहले टीचर माता पिता होते हैं। बच्चे भी अपने माँ बाप में अपने आइडियल की तरह देखते हैं, सबसे पहले उनसे सीखते हैं। तो फर्स्ट टीचर तो मदर होती है, उसके बाद फादर, उसके बाद बाहर निकलता है। तो पहले यार आप लोग भी अपने बच्चों के सामने कुछ तो करोगे। पता चलो खुद तो मोबाइल पे पूरे दिन लगे हुए हैं, खुद टीवी देखते रहते हो, बच्चों पढ़ ले, बात सही है। खुद कभी कुछ पढ़ते हो, कुछ और कर रहे हो, मतलब जो काम हम खुद नहीं कर रहे हम बच्चों से वो कह रहे हैं, बच्चा कहां से करेगा, बच्चे भी नहीं करेंगे। आप कम से कम उसे एक्सप्लेन तो करेंगे कि मेरा ये काम है जो मैंने इस तरीके से उसको निभाया, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आपके जिम्मे ये काम है, इस तरीके से पढ़ाई का काम है, आप उसको कितने उनसे निभा रहे हो। तो जरूरी नहीं कि मैं भी पढ़ूंगा कोर्स की किताब लेके आपको भी पढ़नी है, लेकिन बच्चों को एक्सप्लेन तो करोगे, समझाओगे तो सही। मैं अपने काम को इस तरीके से ईमानदारी से कर रहा हूँ तो आप भी करिए। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं, अभी जैसे पीछे हुआ भी था, टीचर्स ने बच्चों के संग कई बार स्कूल में भी आ रहा है रेप कर दिया छोटी बच्चों के संग, वो गलत, बहुत ज्यादा गलत। जो पे विश्वास करके गुरु मान के जा हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, वो ऐसा कर रहा है, कैसे चलेगा, कहाँ समाज जा रहा है, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, कहाँ हमारे विचार हैं। सॉरी सर, खाली यही कहना चाहूंगा कि खुद भी ध्यान रखिए, और उस मामले में तो कुछ कह भी नहीं सकते, ये मैटर ऐसा है। यही है, पेरेंट्स को भी जाके पीटीएम वगैरह में जरूर जाते रहना चाहिए, पीटीएम जरूर अटेंड करिए, ताकि आपको पता रहे आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके टीचर्स उनके टीचर्स कैसे हैं। भैया पता तो होना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखिए। बाकी आप मुझे कोई सजेशन देना चाहिए, कमेंट करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरी बात आपको सही लगी हो तो इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह प्यार देते रहे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।